राधे राधे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में मोहिनी को देवी लक्ष्मी से यह कहते हुए दिखाया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नारायण यदि मुझे देख लें तो उनके स्थान पे कोई और आ जाए। इस पर देवी लक्ष्मी यह कहती है कि ऐसा सोचना भी आपकी मूर्खता होगा, आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो अभी ध्यान में है, आप मुझसे वार्ता कीजिए। तब मोहिनी कहती है कि भस्मासुर एक ही स्थिति में यहाँ आक्रमण नहीं करेगा, यदि आप सब बैकुंठ छोड़ के कहीं और चले जाएं। थोड़ी देर बाद देवी लक्ष्मी उन्हें पहचान लेती है कि वो ही नारायण है, और तब वो कहती है कि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। वो भस्मासुर से जाके ये बोले कि हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं। तब मोहिनी कहती है इससे अच्छा प्रस्ताव आपको नहीं मिलेगा। फिर वो बहुत प्रयास करती है और अंत में देवी लक्ष्मी मान जाती है और कहती है कि वो भस्मासुर से जाके कहे कि हमें उनका प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु आपको हमारी एक शर्त माननी होगी, आपको हमें नृत्य करके दिखाना होगा। फिर वो उन्हें आराध्य का के संबोधित कर देती है और तब सब ये जान जाते हैं कि मोहिनी कोई और नहीं बल्कि वो नारायण ही हैं। तब मोहिनी कहती है कि आप सबने मुझे पहचान ही लिया, ठीक है मैं इस अवतार में आप सबको नृत्य अवश्य दिखाऊंगी। इधर भस्मासुर को फूलों का माला बनाते हुए दिखाया जाता है और वो मोहिनी के यादों में खोया हुआ है। तभी वहाँ शुक्राचार्य आ जाते हैं और उससे लौट के आने का कारण पूछते हैं, तो भस्मासुर ये कहता है कि महादेव की कृपा से उन्हें एक ऐसा उपाय आया है कि हमें बैकुंठ जीतने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तभी वहाँ मोहिनी आती है और कहती है कि भस्मासुर जिस उपाय का बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ, मैं बैकुंठ गई थी बात करने के लिए और सबने मेरी बात मान ली है, कल प्रातः काल तक बैकुंठ आपका होगा, वो भी बिना युद्ध किए। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि ये तो असंभव है, नारायण ये प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं कर सकते। तब मोहिनी कहती है कि जब मोहिनी की मोह की माया चलती है तब किसी की नहीं चलती। फिर वो भस्मासुर से कहती है कि वो बैकुंठ तो दे देंगे पर बदले में उन्हें कैलाश चाहिए, पर शुक्राचार्य ऐसा करने से मना करते हैं। फिर मोहिनी अपनी मीठी मीठी बातों में भस्मासुर को फंसा लेती है और उसे मना लेती। उसके बाद शुक्राचार्य को ये कहते दिखाया जाता है कि ये स्त्री कुछ ठीक नहीं है, इसके बातों में मत आओ। ये सुन के मोहिनी नाराज होकर जाने का नाटक करती है। ये दृश्य इतना मनोहर है दोस्तों कि बस क्या बताऊँ, बस देखने लायक। तब भस्मासुर मोहिनी को रोकते हुए शुक्राचार्य से कहता है कि मैं मोहिनी के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं सुन सकता। तब शुक्राचार्य चले जाते हैं। इधर भस्मासुर को मोहिनी का धन्यवाद करते हुए दिखाया जाता है और फिर वो मोहिनी के पीछे ही पड़ जाता है। मोहिनी भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए मदिरा लेके आती है और फिर नृत्य करके दिखाती है, वो उस नृत्य का आनंद लेने लगता है और फिर उसे मदिरा पिलाते हुए दिखाया जाता है। और आज का ये सुंदर सा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।